दोस्तों, जैसे कि स्कॉच विस्की की जब भी बात होती है तो ब्लैक लेबल का सबसे पहले नाम आता है, ऐसे ही जब भी कोई यूएसए से विस्की की, कोई अमेरिकन विस्की की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7 विस्की का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज हमारे टेबल पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग अमेरिकन विस्की आई है, जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7। आज इसका मैं डिटेल रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि आजकल एट प्रेजेंट ये किस प्राइस रेंज में मार्केट में मिल जाती है और ये पीने में कैसी है। थोड़े दिन पहले मैंने इसकी एक जैक डैनियल और कोला आती है मार्केट में, उसका रिव्यू किया था। वो मुझे पीने में काफ़ी अच्छी लगी, तो कईयों ने उस पर कमेंट किए उस वीडियो पर कि इस जैक डैनियल की बॉटल का भी आप रिव्यू चैनल पे लेके आओ। तो आज इस वीडियो में करते हैं इसका डिटेल रिव्यू और जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैक डैनियल्स बनाना स्टार्ट की थी मिस्टर जेस्पर न्यूटन डैनियल्स ने, जिनका कि नाम बाद में जैक डैनियल्स हो गया। इसके ऊपर ओल्ड नंबर 7 लिखा है। अब ओल्ड नंबर 7 के पीछे काफ़ी सारे मिथ है, काफ़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन कोई पक्का ऐसा कंक्लूजन नहीं है, कोई पक्की ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि क्यों इसको ओल्ड नंबर 7 बोला जाता है। ये बनती है लिंचबर्ग टेनेसी यूएसए में, और इसको टेनेसी विस्की ही बोला जाता है। ये डिफरेंट होती है बर्बन विस्की से। तो दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स की बात करने से पहले पैकेजिंग देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये एक स्पेशल पैकेजिंग है जो मैंने बाय किया है और इसमें फ्री गिफ्ट भी मुझे मिला है। बॉटल आपको दिखा देता हूँ, पैकेजिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा एक स्टील बॉडीड एक बॉक्स है ये, तो ऐसे खुलता है। इसमें जैक डैनियल ओल्ड नंबर 7 की बॉटल है, और साथ में दो मुझे गिलास मिले हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे हैं, जिनके ऊपर ब्रांडिंग है जैक डैनियल्स की। सबसे पहले बॉटल बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है बॉटल जैक डैनियल विस्की की। बॉटल की जो लुक है काफ़ी अच्छी है। उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन, एक ऐसी आइकॉनिक बॉटल बना दी है ताकि अगर इसके लेबल्स भी उतारे जाएं तो दूर से पता लग जाएगी कि ये जैक डैनियल्स की बोतल है। इसमें आपको 40% अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी, 750 ml की बॉटल है। और भाई, ग्लास जो साथ में आया है ना, इसकी भी काफ़ी अच्छी लुक है, काफ़ी हैवी है ग्लास। और ये पैकेजिंग मुझे लुधियाना से 3000 की मिली थी। जी हाँ, 3000 रुपया इसका रेट है लुधियाना पंजाब में, और 3000 में ये पैकेजिंग बहुत अच्छी डील है। किसी को गिफ्ट करनी हो या फिर अपने होम बार में रखनी हो तो पैकेजिंग देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब मैं थोड़े इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ कि क्या यूज़ हुए हैं और कैसे ये बनती है, उसके बाद करेंगे इसकी नोजिंग और टेस्ट। दोस्तों, जैक डैनियल को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं कॉर्न। जी हाँ, 80% इसको बनाने के लिए कॉर्न यूज़ होते हैं, उसके बाद राई और बार्ले का भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो मेन इंग्रेडिएंट कंपनी बताती है वो है स्प्रिंग वाटर। जी हाँ, ये अपनी डिस्टिलरी के अंदर का ही स्प्रिंग वाटर यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, जो इसको एक काफ़ी अच्छा रिच टेस्ट देता है। और ये काफ़ी टाइम से उसी पानी को यूज़ करते हैं ताकि इसको एक सिमिलर टेस्ट मिले। इसको मैच्योर करने से पहले वो एक चारकोल फिल्टरिंग से निकालते हैं, जिसमें 4 या 5 दिन लगते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप जैक डैनियल उसमें से निकलती है, वो प्यूरीफाई होती है और उसमें वो चारकोल का टेस्ट आता है। तो यही चीज़ इसे डिफरेंट बनाती है, इसके टेस्ट को इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो एक स्मोकी टेस्ट, एक चारकोल का टेस्ट इसमें आपको मिलेगा। और कॉर्न की रेशियो ज़्यादा होने की वजह से इसमें आपको एक मीठापन भी मिलेगा। तो अब इसको ओपन करते हैं, इसको ग्लास में डालते हैं, करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। दोस्तों, बोतल के ऊपर सिक्योरिटी नोजल दी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल ओपन नहीं है, सिक्योरिटी नोब मिलेगी, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। Thank you.
40% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है। अगर मैच्यूरेशन की बात की जाए तो जैसे मैंने सर्च किया 4 साल से लेके 7 साल तक इसी टाइम के बीच में इसको मैच्योर किया जाता है फ्रेश अमेरिकन ओक बैरल्स में, जिसको पहले की चार्ट किया जाता है। तो अब जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं इसका टेस्ट। चलिए दोस्तों लेग्स देख लेते हैं कैसी बन रही है। तो इसकी मीडियम बॉडी बन रही है, मीडियम लेग्स बन रही है, काफ़ी आराम से नीचे आ रही है। तो जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। चीयर्स। ऑन द नोज, जैसे ही नोज करोगे सबसे पहले जली हुई लकड़ी का और चारकोल का आपको काफ़ी अच्छा अरोमा मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मेलोड है, बिल्कुल भी अल्कोहल का पंच नहीं मिल रहा है इसमें। हल्का हल्का शुगरी मेपल सिरप जैसा भी एहसास इसमें से आ रहा है। तो भाई जो इसकी नोजिंग है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मेलोड है। तो अब इसका टेस्ट करते हैं। चीयर्स। भाई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जली हुई लकड़ी को मैंने बाइट कर लिया हो, इतना अच्छा फायरी टेस्ट इसमें से आ रहा है, स्मोकीनेस मिल रही है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। पेपर का टेस्ट आ रहा है इसमें से, स्वीट है नेचर के ऊपर। बिलीव मी, जैसे ही आप इसका दूसरा सिप लोगे, वो जो स्मोकीनेस है ना, वो जो बर्निंग एक स्मोक होती है, वुडन बर्निंग स्मोक, वो आपके पूरे माउथ में, पूरे आपके मैं बोलूँगा कि फेस पे ऐसी एक छाप छोड़ जाएगी। काफ़ी अच्छा टेस्ट बन रहा है सेकंड सिप में, मन कर रहा है कि तीसरा सिप भी जल्दी से लूँ। मज़ेदार मज़ेदार टेस्ट है, हल्का हल्का वनीला, वेरी सॉफ्ट ऑन पैलेट। मैं इसके 3 सिप ले चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये पूरा ग्लास इजीली नीट ही ख़त्म कर सकता हूँ। एक बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है मुझे, ओक का काफ़ी अच्छा एक पंच मिल रहा है इसमें, बिल्कुल भी हार्श नहीं है पैलेट पे, एक स्वीटनेस इसमें मिल रही है, मिठास मिल रही है। टेस्ट वाइज सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। भाई मैं तो टेस्ट से बिल्कुल, मज़ेदार टेस्ट है, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे इतना अच्छा टेस्ट लगा। आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी, वो दूंगा 9.3 out of 10। जी हाँ भाई, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया एक विस्की है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों किस किस की ये फेवरेट है प्लीज़ यार नीचे कमेंट किया करो। अगर आप कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, आपको रिप्लाई देने में अच्छा लगता है। किस किस की ये फेवरेट है प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।